एक वो गर्भवती है, उसके पेट में एक लाल पल रहा है, तो वो भी तो किसी का 4 साल का पला पलाया, वो भी तो किसी का लाल है। आप खुद महसूस करके देखो, जिस लेडीज को बच्चे नहीं हो रहे उनसे पूछ के देखो कि कितनी परेशानी, कितनी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं एक माँ होने के नाते। ये मानो कि ऐसी लेडीज आ रही हैं, कोई गांव में उनको दूध भी नहीं देता कि ये बांझपन है, कोई घर पे भी नहीं आने देता कि कहीं टोना टटका ना कर दे, ये बांझपन है। और एक पला पलाया किसी का लाल, कोई हत्या कर देगा तो उनसे क्या बीतरी होगी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और इस वक्त मैं पानीपत मौजूद हूं, और पानीपत जो गुआना रोड के ऊपर है एक ये हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल है। और यहां पर मैं इस वक्त में मौजूद हूं यहां पर, और मैं दिखाना चाहूँगा कई जो बातें हैं वो बातचीत आपको मैं बताऊँगा, जो जिन बातों को जान करके आप हैरान रह जाएंगे क्या ऐसा भी होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियाँ, जो हमारी जो समाज की जो मानसिकता है वो ये बन चुकी है कि ज़्यादातर हम लड़कियों को ही बांझ मानते हैं, बांझपन मानते हैं। जब लड़का लड़की की शादी हो जाती है 2-3 साल 4 साल के बाद, जब लड़की को बच्चा नहीं होता है तो ज़्यादातर ससुराल वाले एक ही बात कहते हैं कि आपकी पत्नी में कमी है, आपकी पत्नी बांझ है। तो ऐसे ऐसे तानों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब डॉक्टर मैडम से जब हमारी मुलाकात हुई, मिसिज अनिल हुडा से, तो उनका कहना था कि लड़कियों में नहीं, जो बांझपन की जो समस्या है ये लड़कों में भी होती है। तो मैडम से भी अंदर बात करेंगे। फिलहाल आप एक बार ये लोकेशन देख सकते हैं हॉस्पिटल की, जिस किसी ने भी यदि संपर्क करना है तो मोबाइल नंबर भी एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि वहाँ पर कोने में है, वो मोबाइल नंबर भी आप एक बार दिखाएं ध्यान से एक बार। 24 घंटे यानी कि 7 दिन 24 घंटे आप किसी भी टाइम आ करके बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ख़ासतौर पर निसंतान दंपति का पंचगव्य आयुर्वेद से सफल इलाज है भाई, बगैर किसी चीर फाड़ के, यानी कि बगैर किसी चीर फाड़ के आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद तरीके से उसका जो इलाज किया जाता है। और ख़ास तौर पर कई जो बातचीत यहाँ पर, मैं एक बार मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, जो भी जितनी भी बीमारियाँ, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, मतलब शुगर की है, थायराइड की है, HIV की है, मतलब पथरी की है, मलेरिया की है, हर तरह की समस्या का समाधान हॉस्पिटल में किया जाता है। तो हम बातचीत करेंगे यहाँ पर, ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से इस हॉस्पिटल की जो विजिट है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, क्या करने के लिए आ रहे हैं आप? दवाई लेने के लिए। दवाई लेने के लिए आ रहे हैं? क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैडम को दिक्कत थी। मैडम को दिक्कत थी? मैडम साथ में आ रहे? हाँ साथ में। राम राम जी, क्या क्या समस्या थी आपको? कुछ नहीं जी, बांझपन की समस्या। बच्चे बांझपन की समस्या? तो अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा? हाँ जी चल रहा। तो कुछ कितने दिन हो गए आपको ट्रीटमेंट लेते हुए? अब 4 महीने हो गए। आपको 4 महीने हो गए, तो है कुछ आराम? हाँ, पहले से आराम है। आराम है? हाँ जी। चलो भाई, तो क्योंकि मरीज आए हुए हैं मैडम के पास से, मिसिज अनिल हुडा, और आप भी नाम है जो मिसिज अनिल हुडा, ये सोचोगे कि भाई नाम तो है लड़कों वाला, है लड़की। सबसे पहले तो राम राम जी डॉक्टर साहिब। नमस्कार जी, और कैसे हैं जी? ठीक हैं, बढ़िया जी। अच्छा जी, दर्शकों को होंगे अनिल कपूर के ले रहे हो आज तो कैसे हैं जी? ठीक हैं, घर परिवार ठीक है जी? बिल्कुल। अच्छा जी, कई बातें हैं जो आपने जैसे ऑफ कैमरा ही बताई थी कि जो खास तौर पर जब हम किसी लड़की की शादी कर देते हैं 2-4 साल के बाद, जब उसको मान ले बच्चा नहीं होता है, तो जो समाज की और जो ससुर वालों की जो मानसिकता है वो ये बनती है कि लड़की ही बांझपन है, लड़की में जो समस्या है वो बांझपन की है। और वो आपने बताया था कि लड़की में भी ऐसी समस्या हो सकती है, वो क्या है मैडम एक बार? बिल्कुल जी, ये नहीं है कि लेडीज अकेले लेडीज को कोसते रहो कि इसको बच्चे नहीं हो रहे, जेंट्स में भी दिक्कत हो सकती है। मान लो कि उसकी बचपन की कुछ गलतियाँ, ज़्यादातर जेंट्स में बचपन की गलतियों के कारण भी बांझपन हो रहा है, उसके शुक्राणु नील है या ज़्यादा लिक्विड है या फिर एक्टिविटी ही नहीं है, ये भी कारण हो सकता है उनका बांझपन का। बचपन की गलतियाँ जैसे सोपन दोष है, अस्थमैथुन जो समस्याएं, इन गलतियों की वजह से होती है जी? बिल्कुल। चलो जी, तो भाई देख सको यानी कि जो लड़कों की जो गलतियां होती हैं उनको ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताया जाता, ब्रह्मचर्य की जो ताकत है उसके बारे में नहीं बताया जाता। शादी के बाद ऐसी समस्याएं बन जाती है
कि लोगों की जो मानसिकता है खास तौर पर लड़के के ऊपर ये नहीं बनती कि भाई हमारे लड़के में भी कमी हो सकती है, वो केवल लड़की में ही कमी निकालते, कहते हैं कि भाई लड़की में ही कमी है। तो आपके पास लड़के भी आते होंगे जी, कितने क्या आपने लड़कों को ठीक किया, मतलब ऐसी जो समस्याएं लेकर के आते हैं कि लड़की में कोई समस्या नहीं मिलती और लड़के में समस्या मिलती है? ज़्यादातर तो जी देखो जितने पेशेंट आए हैं ज़्यादातर तो हम तो ये मानो कि 99% लड़कों में ही कमी मिली है। लड़कों में मिली है, एक महिला होकर के अब ये तो नहीं कह रही जी जानबूझ करके? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई लड़कों से कोई दबेश थोड़ी ना है। लड़कों में ज़्यादातर आ रही देखो जी उनका खान पीन का तरीका, या तो थोड़ी सी यंग एज होते ही स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर बचपन की जो गलती करते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं, ये भी तो कारण ज़्यादातर इंसान को नामर्द बना रहा है। अच्छा जी, हमने सुनने में आता कि आपने लगभग 1900 जो लड़कियां हैं जिनका एक मतलब सपना ही था उस टाइम पे कि हम माँ बनेंगी, कई साल उनको हो गए थे, बांझपन की समस्या से भी वो गुजर रही थी, तो लगभग 1900 लड़कियों का आपने माँ बनने का जो उनका सपना वो पूरा किया है जी। बिल्कुल, देखो जी पहले तो उनको दिनचर्या फॉलो करनी पड़ेगी, हम दिनचर्या देंगे और जो परहेज देंगे वो परहेज करने पड़ेंगे। अगर वो अच्छे से कर रही हैं तो दवाई लेने का भी फायदा है और माँ तभी बन पाएंगी। ये नहीं है कि वो परहेज भी नहीं करे, दिनचर्या फॉलो भी नहीं करे और आके बोले कि हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, वो भी तभी फायदा है जब ये जो हम बताएंगे ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही दवाई लेंगे। ज़्यादातर ये है कि लड़कियों में इतनी कमी नहीं मिली। बिल्कुल। अच्छा मैडम, एक तो आपके हॉस्पिटल में जैसे बांझपन की जो समस्या का दूर किया जाता है, थायराइड है, शुगर है, और कौन कौन सी बीमारी है कि आप उनका इलाज करते हैं यहाँ? जैसे सर मोटापा है, शुगर है, थायराइड है, गैंग्रीन है, जिसको ये मानो कि ये बोल देते हैं कि पैर कटेगा, ब्लैक पड़ चुका है, वो भी ये मानो कि 15 दिन में ही अपने आप अपने पैरों से चल के आ रही हैं। चलो अच्छा मैडम, एक काफ़ी चर्चित हत्याकांड है, शायद आपने वीडियो भी देखी होगी, करनाल का गांव है कमालपुर, एक छोटा सा मासूम बच्चा है और उसने, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और वो भी इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक डॉक्टर को पता होता खास तौर पर कि एक माँ कैसे बना जाता है, एक माँ का लाल उस की जो अत्यारी चाची है, गर्भवती महिला अंजलि, उसने उसको गला घोट करके मार दिया है। सुनी आपने, देखी वो खबर? जी बिल्कुल, आपकी वीडियो देखी है, बहुत सारी लाखों वीडियो देखने को मिल रही है, फ़ोन ओपन करो तभी वीडियो यस के चर्चा के ऊपर वीडियो आ रही हैं। ये मानो कि माँ बनना, वो खुद गर्भवती है, वो खुद बोल रहे कि उसको सजा ही नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी जब उसको उसका सभी ने ये दिख रहा है कि एक वो गर्भवती है, उसके पेट में एक लाल पल रहा है, तो वो भी तो किसी का 4 साल का पला पलाया, वो भी तो किसी का लाल है। आप खुद महसूस करके देखो, जिस लेडीज़ को बच्चे नहीं हो रहे उनसे पूछ के देखो कि कितनी परेशानी, कितनी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं एक माँ होने के नाते। ये मानो कि ऐसी लेडीज आ रही हैं, कोई गांव में उनको दूध भी नहीं देता कि ये बांझपन है, कोई घर पे भी नहीं आने देता कि कहीं टोना टटका ना कर दे, ये बांझपन है, और एक पला पलाया किसी का लाल, कोई हत्या कर देगा तो उनसे क्या बीतरी होगी। ऐसी लेडीज है जो 3-3 बार IVF भी करवा रही हैं, ऑपरेशन भी करवा लिया, तब भी माँ बनने का सपना नहीं हो रहा, पूरा हो रहा उनका। यानी कि माँ बनना सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है। हमने सुना है कि जब लेडीज माँ बनती है तो उसका एक दूसरा जन्म होता, इतने दर्द से वो गुजरती है, मतलब दूसरा जन्म ही मानो लेडीज का होता है। बिल्कुल, इतना पेनफुल होता है जी कि ये मानो कि आदमी तो इतना दर्द बर्दाश्त कर भी नहीं सकता। 220 हड्डियाँ टूटने का दर्द एक माँ सहन कर सकती है, बहुत मुश्किल होता है जी एक लेडीज के लिए माँ बनना, और एक बने बच्चे हुए को अगर दरिंदगी से कोई हत्या करता तो उसको ये मानो कि फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, और इंसानियत और मानवता की हत्या कर दी है, और हर लेडीज यानी कि कहते हैं कि महिलाओं में मतलब काफ़ी प्रेम होता है, लेकिन उसने जो इंसानियत और मानवता की हत्या की है अंजलि गर्भवती भी है, खासतौर पर अंजलि को लेकर के आप क्या कहेंगी? हम तो ये कहना चाहेंगे कि उसको पहले अच्छे से कोशिश करें, उसको आगे लाया जा रहा है कि ये गर्भवती है, इसको सजा नहीं मिलेगी, जबरदस्ती उसको आगे लेके आ रहे हैं, कोई उसके मतलब हेल्पर हैं, हत्यारे अच्छी तरह CBI जांच हो, उसके जस की हत्या का अच्छी तरह क्लियर हो कि किसने हत्या की है। अगर पता चलता है कि गांव मोहल्ले में एक जगह उसको उनको ऐसी सजा दे कि आज तक किसी को ऐसी सजा मिली ना हो।
चलो जी। अच्छा जी मैडम, आपके यहाँ पर जैसे जो हॉस्पिटल है, क्या क्या अपने हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं और कब से आपने जो हॉस्पिटल है कब से स्टार्ट किया है? सर 1 साल हो गया हॉस्पिटल को स्टार्ट हुए। यहाँ पर लैब की सुविधा है, प्राइवेट रूम की सुविधा है, अगर पेशेंट मान लो कि ज़्यादा परेशानी है एडमिट होने की सुविधा है, और स्टाफ की ये मानो कि केयरफुल सुविधा, पूरी सुविधा। बाहर लिख रखा है कि 24 घंटे उपलब्ध हैं, तो 24 घंटे जो सेवाएं हैं डॉक्टर की तरफ से हैं, 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध जी। बिल्कुल 24 घंटे ओपन रहता, 7 डेज ओपन रहता जी, 24 घंटे बिल्कुल। चलो जी लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप हरियाणा वासियों से, देशवासियों के से, आप हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, क्या जो इन समस्याओं से जो गुजर रहे हैं, शुगर से हैं, थायराइड से हैं, बांझपन से हैं, तो जो आपसे संपर्क करना चाहें, जो आपसे कोई मतलब कोई सलाह लेना चाहें, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? सर हम तो मैं यही दर्शकों आपके दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, अगर कोई जैसे मोटापे से, थायराइड से, या फिर जिसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, या सिस्ट बन चुकी है यूट्रस में, या इनफर्टिलिटी है जेंट्स में है, लेडीज में है, हमसे संपर्क करें। ये नहीं कि वो बार बार IVF करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं, डॉक्टर छोटी सी भी सिस्ट बनती है ना डायरेक्टली ऑपरेशन बोलते हैं, उनसे वहाँ मत जाएं, आयुर्वेद ओनली आयुर्वेदा द्वारा ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल। चलो भाई वीडियो आपने देख लिया फिलहाल, और लास्ट में मैडम ने अनिल हुड्डा ने जो बात कही है कि आयुर्वेद के तरीके से बांझपन को दूर किया जाता है, ज़्यादातर जो समस्याएं होती है बगैर किसी चीर फाड़ के इनका प्रयास रहता है कि इनको आयुर्वेद तरीके से जो पद्धति है उसी तरीके से दूर किया जाए, और ख़ासतौर पर जस हत्याकांड को लेकर के जो मैडम अनिल हुड्डा ने जो बात कही है कि एक महिला को यानी कि 3-3 बार ऑपरेशन करवाने के बाद भी जो उनका सपना माँ बनने का वो नहीं बन पाता है, और एक बांझ लड़की जो महिला होती है उसी को पता कि माँ बनने ना बनने कितना दुख वो पूरी उम्र मतलब सहन करती है। तो एक जो हत्याकांड पूरा चर्चित चल रहा है पूरे देश के अंदर कि हत्यारी अंजलि को क्या सज़ा मिलेगी, वो भी अभी तक संशय ही बना हुआ है, जैसे ही उस चीज़ का भी खुलासा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैडम अनिल हुड्डा का हम नंबर देंगे, आप किसी ने जिसने भी संपर्क करना है खासतौर पर बांझपन को लेकर के, क्योंकि और अपनी इस मानसिकता को आप बदल दीजिएगा कि बांझपन की जो समस्याएँ होती है कि वो लड़की लड़कियों में होती है, लड़कों में भी ये समस्या मैडम ने बताया है कि यदि 1-2 साल के अंदर अंदर आपको कोई लड़का लड़की यदि गर्भवती आपकी आपकी पत्नी नहीं होती है तो चेकअप दोनों का दोनों आप करवाएं ताकि आप अपनी समस्या से दूर अपनी समस्या को दूर कर सके। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, खासतौर पर लड़का लड़की ने जो इन समस्याओं से गुजर रहे हैं वो मैडम से आप संपर्क करें, सलाह लेनी है तो आप सलाह लीजिए, सहयोग लेना है यदि आपने ट्रीटमेंट करवाना तो आप ट्रीटमेंट करवाइए, पानीपत में आप आइए, नंबर हम आपको पट्टी में भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जवाहरद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।